टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस, जो टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो चल रही हैं हमारी टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम के प्राइवेट चैनल, ठीक है, प्राइवेट चैनल। और जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं उसके लिए सब बताया ही है मैंने, एक नंबर है मेरा टेलीग्राम नंबर 9454200964, इस पे आप मैसेज करके इसकी डिटेल्स पूछ सकते हैं। वही टीजीटी साइंस, वो भी इसी नंबर पे चला रखी है, ये भी एक प्राइवेट चैनल पे चल रही है। एंड टीजीटी मैथ की जो बुक्स है जो मैं परचेज करना चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से चल रहा है, मैं लगभग एक साल से ज़्यादा हो गया मैंने इस पर बहुत काम किया, यानी कि ये मार्च 2019 यहाँ से मैंने दिमाग में बात आई थी कि इसको लिखना शुरू किया जाए। वो भी कारण था कुछ, जबकि एग्ज़ाम हो रहे थे टीजीटी 2016 वाले, एंड तो उस समय पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो गई थी आई में थोड़ी सी, उससे पहले से कुछ, तो मैं वीडियोस दे नहीं पा रहा था, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देनी होती हैं लगातार, कुछ लोग चाहते हैं पूरा सिलेबस करा दिया जाए, सारा कुछ करा दिया जाए। मैंने कहा पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, काफ़ी वीडियोस उसमें पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, फिर भी सब लोगों को नया सिलेबस चाहिए था, यानी कम्प्लीटली कम्प्लीट पूरा सिलेबस एक साथ चाहिए था, तो वो सब मुझसे नहीं हो पा रहा था, थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो उसी समय पे कुछ लोग सही कमेंट करते हैं, कुछ लोग कहाँ ठीक है, जो तैयारी में थे पहले से पढ़ रहे थे, तैयारी है, सेलेक्ट भी हुए हैं, काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, जो सेलेक्ट नहीं हुए उनकी भी मेहनत रही और हमारा भी गाइडेंस रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ एक दो लोग थे, सर उसमें कुछ नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए नेक्स्ट टाइम के लिए, या फिर ऐसा कुछ नोट्स वगैरह हो, तो उस समय पे मेरे पास उतना डिटेल में था नहीं, मतलब कम मैटर था, मैटर तो था, मतलब 1500 के आसपास, 2000 के आसपास क्वेश्चन थे, और वहाँ से नहीं बात बनने वाली थी कि कंप्लीट सिलेक्शन के लिए, तो मैं भी दिमाग में आया कि हाँ कि कुछ ऐसा मटेरियल तैयार कर दिया जाए जहाँ पे हो सकता है कि हाँ काफ़ी कुछ हो जाए। तो वो मटेरियल जब से करते करते लिखते लिखते किया, फिर टाइपिंग करने में बहुत दिक्कत हुआ, सामना करना पड़ा, मैं मुझको आती नहीं है, जहाँ जहाँ दिए वो काफ़ी टाइम लगा दिया, कुछ ने किया नहीं, कुछ परेशानी उत्पन्न हुई। फिर हम यहाँ पे आ गए बिजनौर में, पिछले सितंबर 2019 को, वहाँ से बहुत परेशान थे, कोई टाइप करने वाला नहीं मिल रहा था, काफ़ी काम उधर बचा हुआ था। तो धीरे 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 एक बंदा मिला अक्टूबर से, उन्हें थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया, वो काफ़ी करते करते रहा, यानी कि कुल टाइपिंग लगभग लगभग फरवरी तक उन्हें ओके कर लिया था, फरवरी मार्च में ओके हो लिया था। तो फिर वो भी बीच बीच में डिले करता था, मैंने सोचा चलो वैकेंसी भी नहीं आ रही है, इससे मेरे सब डिले ही चल रहा है, तो धीरे धीरे चेक कर रहा करने दो इसको, ठीक है, वही सब चल रहा था। तो वैकेंसी को लोगों का यही मान है, जब वैकेंसी आती है जब डिमांड ज़्यादा पड़ती है, और उस समय उसमें काफ़ी स्पेंडिंग मुझे करना पड़ जाता है, वो मैंने किया भी है, इस समय मैं कर चुका हूँ, ठीक है, यानी बुक्स का जो मटेरियल्स है और उसको देना, ये सब मैं दे चुका हूँ पहले से, एडवांस में दे चुका हूँ, बाकी मटेरियल जो अब स्टूडेंट से जो मिलेगा उसमें से वो सब निकालना है, अब बहुत ज़्यादा उसमें मुझे नहीं बचने वाला है, यानी मेरे से लग चुका है पैसा, मेरा अमाउंट खर्च हो चुका है। तो वो बनते बनते काफ़ी डिले हो गया, यानी अप्रैल में हम देने वाले थे, मैंने कह दिया था कि हाँ ओके हो गया, लगभग लगभग काम प्रिंट का चालू हो गया था, अप्रैल में दे देंगे, चलो ठीक है। फिर लॉकडाउन वगैरह की स्थिति आ गई, लॉकडाउन लग गया, फंस गए, तो उसमें कुछ प्रैक्टिस सेट थे, 5 से 6 थे, वो करेक्शन होने से रह गए थे, मैंने वो फिर बाद में अब ऑनलाइन किए, यानी कि उनका कंप्यूटर पर बैठा देते थे, वीडियो कॉलिंग करते थे, वो बहुत दिक्कत का सामना हुआ, फिर भी हमने कर डाला, बहुत सलीके से किया है, तो बहुत ज़्यादा उसमें मिस्टेक नहीं हो सकती, कुछ अगर थोड़ी बहुत मेजर सी मिस्टेक तनक उनक हो भी सकती है, तो फिर से चेक करूँगा बुक्स को, फिर भी मैंने सारा मटेरियल चेक कर लिया, बहुत कम मिस्टेक्स होंगी, ठीक है। अगर कोई भी शिकायत बुक्स में आती है तो आप उसका जो भी आप कहेंगे उस नंबर पे कह के कि ये शिकायत है या ये कुछ दिक्कतें आई हैं, तो उसके व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे डाल दें, तो मैं उसका सॉल्यूशन जो भी कुछ होगा, lksc22blogspot.com एक वेबसाइट बनाई हुई है, इस पर मैं डाल दूँगा। इस पर केवल ये, इस पर जब आप खोलेंगे सर्च करेंगे तो आपको ये दिखेगा टीजीटी पीजीटी मैथ्स ऑनलाइन बुक्स, ये चैप्टर खुल के आएगा ऑनलाइन बुक, केवल और कुछ नहीं दिखेगा, मैंने केवल इसी नाम से ब्लॉग बनाना शुरू किया है, तो वहाँ पे बुक्स के बारे में ही डिटेल रहेगी। तो धीरे धीरे कुछ लोगों की डिमांड है कि बुक्स में क्या हिंदी में है कि इंग्लिश में, तो जनरली जो हाई स्कूल लेवल और इंटर लेवल यूपी बोर्ड्स के हैं ज़्यादातर लोग हैं, तो उसमें मैटर कुछ पोर्शन हिंदी मीडियम में है जो हाई स्कूल लेवल का है, कुछ इंटर लेवल थोड़ा बहुत, बाकी ज़्यादातर पोर्शन अगला जो पोर्शन बीएससी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, हाई लेवल का है, वो इंग्लिश पोर्शन में है, ठीक है। तो कोई खास समस्या नहीं होगी, समस्या इंग्लिश वाले को होगी जो पोर्शन मेरा हिंदी में है, तो मैं हिंदी वाले का इंग्लिश वर्जन करके मैं इस पर डाल देता हूँ,
ठीक है, हिंदी वाले का इंग्लिश वर्जन करके मैं इस पर बहुत जल्दी डाल दूंगा। बट जो जनरली जो लोग हैं, यानी कि 100 लोग लेते हैं तो उसमें 90 तो ऐसे ही मिलेंगे, हाई स्कूल इंटर बी एस उसी से पढ़ें, यूपी बोर्ड से पढ़ें, और उसमें ऊपर इंग्लिश मीडियम है, वो सबके लिए कोई समस्या नहीं होने वाली। केवल समस्या वो क्रिएट होगा जो केवल हिंदी जानता है, तो उसके लिए मुझे काफ़ी चीज़ बदलना पड़ेगा। तो ऐसे तो नहीं हो केवल हिंदी की बुक से बी एस सी लेवल की ही हो, तो वो तो बहुत ही कम होगा, रेयर केसेस एक दो कैंडिडेट हो सकता है। परंतु कुछ कैंडिडेट जो केवल इंग्लिश जानते हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या है। तो मेरा जो हिंदी में मैंने जो पोर्शन रखा है वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके मैं इस पर ड्रा कर दूंगा। कोई समस्या कुछ होगी तो मैं इन पर ड्रा करता रहूँगा। मैंने एक बंदे को लगा दिया है कि भैया इसको करना शुरू कर दो। अब बात आती कि बुक्स कब मिलनी शुरू होगी। ठीक है, अमाउंट मैंने बता ही दिया था 1500 रुपये, क्योंकि 1000 के आसपास मेरा खर्च हो चुका है। काफ़ी मोटी बुक है, इसमें 1600 पेज हैं और 1600 के आसपास पेज बन चुके हैं। और जी इतने इतने में, और मैं पोस्ट करूंगा जो काफ़ी दूर हैं, तो 200 से 300 के आसपास, 250 या 300 रुपये लगभग वो पोस्ट में लगेगा। तो मुझे जो मेहनत हुई है उसका बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला, 100-200 रुपये पड़ेंगे। वो उस बंदे को जो टाइप किया, काफ़ी मेहनत मेरे साथ करके चल रहा है, उसको थोड़ा सा कुछ मिल जाए, कुछ हमको थोड़ा बहुत मिल सकता है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बस केवल लोगों का भला हो जाए, फ़ायदा हो जाए, ये सब है। तो उसमें जो लोग पहले से हैं, जो मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, उनको मुझे फ़ोन करके कहना पड़ा भाई जो पहली फीस है वो जमा कर दीजिए, एड्रेस सेंड कर दीजिए। तो कुछ लोगों से मैं कह भी चुका हूँ, मैं ना रोज़ डेली मैं बहुत ज़्यादा नहीं फ़ोन कर पाता हूँ, 8-10 कर भी पाता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। 150 लोग उसमें हैं, और कुछ जो नए जुड़े हैं उनसे मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, भैया देखो इसमें अपना एड्रेस सेंड कर देना और अपना जो डिटेल है फीस वगैरह वो डाल देना, और तब से 5-6 तारीख के आसपास मैं अब पोस्ट करूँगा। अभी मुझे 25-26 को मिलने वाली थी, बट अभी नहीं मिली, क्योंकि बीच बीच में लॉकडाउन, बीच बीच में सैटरडे संडे पड़ जाता है, इस बार पड़ गया, 2 दिन ये लेस हो, उनका नुकसान हो गया, उससे पहले में हो गया था, 4 दिन को इधर ही इफेक्ट हो गया। तो ऐसे ही जो इफेक्टिंग हो रहा है 4-6 हैं, इन 3 बार बीच बीच में ऐसा ही लॉकडाउन आ गया, तो काम भी लगातार कर रहे हैं, तो उसके होने से भी डिले हो गया, मतलब 6 दिन तो यही डिले हो गया। तो डिले होने से वही फिर मिलते मिलते मतलब वही 30-31 के आसपास मिलता, तो वो पड़ रहा है ईद, रक्षाबंधन, ये सब छुट्टी आ गई, हो सकता है मैं कर भी देता तो भी उसी में पड़ी रहती, डाक ऑफिस में या कोई, तो बहुत ज़्यादा एक साथ पोस्ट भी नहीं हो पाएंगे। जो मेरे पास ऑर्डर्स हैं मैं पहले उनको धीरे धीरे निपटाऊंगा, यानी कि रक्षाबंधन के बाद 3-4 तारीख तक तो छुट्टी रहेंगी, 4-5 में बुक्स लेके थोड़े थोड़े पोस्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, 2-3 लोगों को लगाते हैं जो जल्दी 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 पोस्ट कर दें, क्योंकि मेरे पास जो आईडी रजिस्टर्स है उसमें मैं जो जो का पेमेंट आ रहा है, जो जो का एड्रेस आ रहे हैं, उनका मैं नाम लिखता चला जा रहा हूँ। और मेरे जो ऑनलाइन क्लासेस वाले ग्रुप हैं भैया, वो भी ध्यान दे रहे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो अपना एड्रेस, और जिनकी जो फीस बाकी है थोड़ी बहुत, जो भी बाकी है, जिसकी ने बिल्कुल नहीं जमा की वो भी जमा कर दें, जिसकी जो थोड़ी बाकी है वो जमा करके और अपना एड्रेस सेंड कर दें। बुक्स तो भैया देखो तभी पोस्ट हो पाएगी, उससे पहले पोस्ट नहीं होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि बुक्स में स्पेंडिंग हो चुका है। ठीक है, और क्योंकि बुक्स की डिमांड ज़्यादा है, मैं भी मानता हूँ, मेरे पास अभी 1000 मैंने छुपवाई हैं और 700-800 के आसपास मेरे पास ऑर्डर पहले से ही पड़े हैं, और जो लोग पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, नंबर अपना दे रहे हैं, तो उनसे मैं अभी कांटेक्ट नहीं कर पाया, पर करूँगा, और यानी कि ऑर्डर ये तुरंत बिक जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बहुत जल्दी में जैसे आता रहेगा मैं अपना पोस्ट करता रहूँगा, यानी अगस्त में यही काम होना है। ठीक है, 5 के बाद धीरे जल्दी जल्दी रोज डेली 50-100, 150-150, 150 इस तरह से बुक निकालते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी बुक्स के बारे में बात, काफ़ी दिनों से बात चर्चा चली थी, काफ़ी इसमें दिक्कतें आई, परंतु एटलीस्ट हो गई। ठीक है, काफ़ी टाइम भी लगा और समस्या भी हुई, मुझे काफ़ी समस्या पड़ी, ऐसी बात नहीं पड़ी, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना बार बार करना पड़ा, क्योंकि टाइप वालों की समस्या थी। तो मैं अब आगे नहीं चाहता हूँ कि लोगों की, कुछ लोग चाहते हैं कि मटेरियल PGT का दें, तो भैया मैं जो बंदा मैं अपना लगा रहा हूँ, और मुझको अगर इसमें से बुक्स में कोई टॉपिक छूट जाए, मैंने वह कि सारे किए हैं, अगर कोई पॉइंट रह भी जाता है, कोई टॉपिक धोखे से छूट गया हो, या उसने सेलेक्ट ना किया हो, या छूट गया हो, या उसको बाइंडिंग में रह गया हो, ऐसा हो जाता है कभी कभी, एक आध टॉपिक अगर रह दे, तो वो मैं अब इस पर ही डायरेक्ट डाल दूंगा। ठीक है, तो वो आपको कहीं मार्केट में जाने की नहीं ज़रूरत है, या बुक्स में अलग से मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए अलग बुक्स निकालूँ फिर से पैसा लूँ, उसकी नहीं ज़रूरत है। आप LKC22 में blogspot.com पे जाएंगे और आपको वो मटेरियल जो छूटा हुआ है कुछ या प्रॉब्लम से आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे मुझे देंगे मैं इस पर ड्रा करवाता रहूँगा, बाकी मुझे तो है ना मैथ वाली टाइपिंग नहीं आती, बहुत समस्या होती है ना। ठीक है, तो मैं एक बंदे को अपने पास रख रहा हूँ, जाके वो कर पाए, और अपना अकाउंट देना भी
थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि यूट्यूब का जी मेल आई डी और ये सब किसी को नहीं दिया जाता है, जैसे मैंने सेव कर रखा इसलिए मैंने अलग आई डी पर बनाया है, ठीक है। और इसके लिए एडसेंस अकाउंट भी मेरा अलग ही बनेगा, मेरा तो नहीं बन पाएगा, किसी घर के किसी पड़ोस भाई का, बहन का, किसी और का बनेगा, मेरा नहीं बन सकता, क्योंकि एडसेंस अकाउंट एक ही बनता है एक बंदे का, जो कि मेरा यूट्यूब में लगा हुआ है, ठीक है, उस पर मेरा पेमेंट यूट्यूब का आता रहता है। बट इसके लिए एडसेंस बनेगा तो मैं किसी और का बनवाऊँगा, और ठीक है, तो इसमें आप पेज वाइज देख के खोल सकते हैं, सारी की सारी बुक्स खुल जाया करेगी, ठीक है। अभी मैं पहले इस पर आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, टीजीटी बुक्स की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, की बुक्स की प्रॉब्लम्स इसमें सेंड किया करेंगे, एंड पीजीटी का जो मैटर्स जो टीजीटी की बुक में नहीं है, टीजीटी से अलग मैटर्स हैं, पीजीटी का जो भी मटेरियल्स हैं जो टीजीटी की बुक में नहीं है, टीजीटी बुक से डिफरेंट है, ठीक है, अलग मटेरियल्स हैं, डिफरेंट है, वो वाला मटेरियल हम इसमें डालेंगे, ठीक है। पहला काम ये करना है, तो जो शिकायतें जो दिक्कतें जो रहेंगी उनको हम इस पर प्रॉब्लम बना के डाल दिया करेंगे, या फिर यूट्यूब चैनल पे डाल दिया करेंगे, ताकि सब लोगों तक पहुंच जाए। और पीजीटी का मटेरियल धीरे धीरे एक एक टॉपिक्स पूरा कर करके, एक टॉपिक मैंने कंप्लीट लिख लिया, उसके बाद मैंने दे दिया भैया इसको लिख दो और इस पर टाइप कर दो, ठीक है। उसमें केवल क्या करना, टाइप करना और साइट पे वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, और जब आप लोग देखेंगे तो टाइप करके मिलता रहेगा। उसमें यूट्यूब की तरह सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब पर हम आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं तो नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आ जाता। वैसे मैंने अभी किसी से ऐसा कहा नहीं कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, कुछ लोगों ने कहा ऐसा बोला करिए तो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और आप ऐसा बोलते नहीं हैं और इससे दिक्कत है लोगों के पास, नोटिफिकेशन कम जाता है, इसलिए व्यूज़ कम आ रहे हैं। चलो इसमें भी फॉलोवर होते हैं, ठीक है, इसमें भी फॉलो होते हैं, फॉलोवर आप करेंगे तो जैसे भी नया कुछ डालेंगे, जैसे भी जो भी मटेरियल डालेंगे तो इस पर आप जाएंगे ब्लॉगर पर, तो इसमें आप फॉलो करेंगे तो फॉलोवर बन जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको जैसे मैंने कुछ प्रॉब्लम डाली या पीजीटी का कुछ मटेरियल डाला, जो भी मटेरियल डालेंगे वो आपको तुरंत क्लिक से मैसेज पहुंच जाया करेगा, जैसे कि यूट्यूब से पहुंचता है, तो मटेरियल आपको खुद बेखुद पता लग जाया करेगा क्या क्या होने वाला है। तो ये सब बातें थी, जो ऑनलाइन में जुड़ना चाहते हैं अभी जुड़ सकते हैं, मैथ की साइंस की, और मैथ वाली में बहुत ज़्यादा फीस वगैरह नहीं है, और टीजीटी साइंस में भी मैंने बहुत कम कर रखा, ओनली केवल कितना 2500 रुपये ओनली टीजीटी साइंस मटेरियल, उसमें भी 100 डे का प्लान है एंड 5000 क्वेश्चन होने हैं। और मैथ में भैया मैथ में मेहनत ज़्यादा होती है, ठीक है, मैथ में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, तो मैथ का भी मटेरियल्स बुक्स एंड बुक्स ओनली कितने की है, बुक्स का मैंने दे चुका हूँ, कहाँ दिया है, बुक्स ओनली 1500 वो मैं दे चुका, मिट गया था, ठीक है। एंड जो बोथ कंबाइंड में कर रहे हैं, यानी कि जो कंबाइंड ले रहे हैं टीजीटी पीजीटी मैथ ऑनलाइन क्लासेस एंड बुक्स दोनों, तो वो ओनली 4000 में ऑनलाइन क्लास एंड बुक्स बोथ, ठीक है। तो इसमें आप जुड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 1500 की तो बुक की है लगभग, वो भी उतनी में ही बैठ रहा है, क्योंकि 1500 की तो बुक की है, वो थोड़ा कंसेशन भी उसमें हो गया है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास ये मैंने पहले 3500 में रखी थी, वो बुक्स 1500 5000 उसको घटा के मैंने 4000 कर दिया था, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स हैं, काफ़ी लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो अब अनबॉक्सिंग भी होनी है, कुछ लोगों ने कहा बुक्स का मटेरियल वो दिखा दीजिए कैसी कैसी है, तो वो बहुत जल्दी जिस दिन मुझे मिलेगी मैं पहला पोस्ट करूँगा, जो मेरे पास ऑर्डर रखे हुए हैं, जिनके मैंने नाम रजिस्टर में लिख रखे हैं, जिन लोगों को मुझे सेंडिंग करना है, तो उनकी जब मैं स्लिप चिपकाऊँगा बाई पोस्ट, उस समय पर अनबॉक्सिंग भी कर दूँगा या उससे पहले ही कर दूँगा, जैसे मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो पहला काम है जैसे मिले तुरंत चेक करो और तुरंत पोस्ट करना शुरू करो, पहला काम ये है, तो ठीक है। और आप लोगों के भी इंतज़ार ख़त्म हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा, तो मेरा मानना है कि मैं 4 तारीख 5 तारीख से जैसे भी मैं करना शुरू कर दूँगा, बहुत जल्दी उस पर काम ओके हो जाएगा, धीरे 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 पोस्टिंग होती रहेगी, ठीक है। जो नियर अबाउट हैं, बिजनौर के हैं, आसपास के हैं, तो वो बाई हैंड ले सकते हैं, अमरोहा के कई सारे हैं बाई हैंड लेने आ रहे हैं, इधर उधर के आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग जो दूर वाले हैं उनकी तो वही समस्या ही है, मेरे सामने भी दिक्कत है, सैटरडे संडे लॉकडाउन हो जाता है इसलिए दिक्कत है भाई, अपनी जॉब है वो भी बचानी है, एक छुट्टी मिलती है, नहीं अदरवाइज ऐसा लॉकडाउन ना होता तो सैटरडे को निकल जाया करते और
एक दो राउंड लगा देते हैं पूरे यूपी में बुक्स रख के गाड़ी से अपनी, तो थोड़े थोड़े कुछ कुछ लोगों को बाई हैंड मिलनी शुरू हो जाती है, तो उसमें काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है आप लोगों का भी। ठीक है, बाई पोस्ट का इंतजार नहीं करना पड़ता, मुझे ही बाई हैंड मिल जाता, मुझे ही पैसा अकाउंट में ना लेना पड़ता, तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी आपको भी प्रॉफिट होता, मुझे भी प्रॉफिट होता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब जैसी स्थिति है स्थिति के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, स्थिति जैसी हो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लें तो ज़्यादा अच्छा होता है।